हेलो दोस्तों, विंडोज के अंदर में अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए नेविगेशन का यूज करते हैं। लाइक अगर आपको डिस्क मैनेजमेंट ओपन करना है तो डिस्क पीसी पर राइट क्लिक किया, मैनेज में आए और यहां से आप डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल अगर ओपन करना होता है तो डेस्कटॉप पर कंट्रोल पैनल का आइकन है, डबल क्लिक किया कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो हुआ एक बच्चों वाला तरीका। अब मैं आपको बताता हूं प्रो तरीका। विंडोज के साथ में आर को प्रेस किया, रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको टाइप करना है कंट्रोल स्पेस पैनल और ओके, कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो जाएगा। और जो भी ये ट्रिक देखेगा वो यही कहेगा यू आर ए प्रो यूजर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी अलग अलग रन कमांड्स बताने वाला हूं जो कि डेली यूजेज में काफी ज्यादा काम आती है, काफी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको काम करने में काफी आसानी होगी और आप एक प्रो यूजर कहलाएंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और पुराने हैं तो बने रहिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ये सिंपल सा दिखने वाला रन कमांड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता तो होता है कि हमें क्या चीज ओपन करनी है लेकिन ये पता नहीं होता कि कैसे ओपन करना है। तो ऐसे में रन कमांड के जरिए उसे ओपन करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब आप चाहे तो कंप्यूटर मैनेजमेंट को ही ले लीजिए और इस तरह के टास्क को कंप्लीट करने के लिए बार बार हर चीज को सर्च करना ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कंप्यूटर मैनेजमेंट एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर क्या एरर जनरेट हुई है, डिस्क से रिलेटेड या फिर प्रोग्राम से रिलेटेड सभी तरह की एरर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। यूजर एंड ग्रुप्स से रिलेटेड आप टास्क यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी यूजर का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और आप चाहे तो एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसको परमिशंस दे सकते हैं। इसी तरह से डिवाइस मैनेजर की लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिवाइस है जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है और किसका ड्राइवर अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ से आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। इसी के साथ डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी आती है जिसके अंदर आप अपने स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड टास्क कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो इसका ड्राइव लेटर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट इसे आप कर सकते हैं छोटा या बड़ा कर सकते हैं साइज को, या फिर आप अपने पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं और इसी तरह के बहुत सारे टास्क आप कंप्यूटर मैनेजमेंट से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसे रन कमांड के जरिए ओपन करने के लिए आपको विंडो की के साथ में आर प्रेस करना है और यहां पर आपको टाइप करना होगा compmgmt.msc और ओके पे क्लिक कर देना है। कंप्यूटर मैनेजमेंट आपका ओपन हो जाएगा और आप अपना मनचाहा टास्क यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। लोकल इंटरनेट की सेटिंग हो, यानी कि लोकल लैन की सेटिंग हो या फिर इंटरनेट की सेटिंग हो, इसके लिए हम नेटवर्क के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, चेंज एडेप्टर सेटिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम हमारे लैन की या फिर वाईफाई की सेटिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक पे सेट कर सकते हैं और काफी कुछ अलग अलग टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क सेटिंग को ओपन करने के लिए रन कमांड है ncpa.cpl और ओके कर दीजिए, नेटवर्क की सेटिंग ओपन हो जाएगी और आप अपना मनचाहा टास्क कंप्लीट कर लीजिए। विंडोज कंप्यूटर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है सिस्टम प्रॉपर्टीज, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर का नाम चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर आप यहां पर डिवाइस मैनेजर ओपन करके अपने डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं, ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं। एडवांस टैब के अंदर आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है, यूजर प्रोफाइल, स्टार्टअप रिकवरी, परफॉर्मेंस से आप यहां पर अपने कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल रैम कितनी हो सकती है उसका साइज आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर कितना जो है स्पेस यूज होना चाहिए उसे आप यहां से मैनेज कर सकते हैं और रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग भी आप यहां पर इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो रन कमांड के जरिए सिस्टम प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए आपको टाइप करना होगा sysdm.cpl और ओके कर दीजिए, सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी और हमेशा की तरह अपना टास्क कंप्लीट कीजिए। दोस्तों, अगर आपको पता करना है कि आपके सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड का कौन सा ब्रांड है, कौन सा मॉडल नंबर है या फिर आपने जो विंडोज इंस्टॉल कर रखी है वो एमबीआर पार्टीशन में या फिर जीपीटी पार्टीशन के अंदर है, इस तरह की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन के जरिए। अब तो क्या इसे भी आप सर्च करेंगे? नो नो, मना किया ना, नहीं। तो इसके लिए विंडोज के साथ में आपको आर प्रेस करना है और यहां पर आपको टाइप करना है msinfo32 और ओके पे क्लिक कर दीजिए और अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संबंधित सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी, लाइक आपने कौन सा ओएस इंस्टॉल कर रखा है, साथ के अंदर आपका जो विंडोज है वो बायोस मोड में है या यूईएफआई मोड में है, प्रोसेसर आपने कौन सा लगा रखा है, कौन से मदरबोर्ड का आप यूज कर रहे हैं, साथ में आपके सिस्टम के अंदर कितनी रैम है, ये सारी जानकारी आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन से मिल जाएगी। दोस्तों, जितनी बार भी हम रन कमांड का इस्तेमाल करते हैं और एक नई कमांड हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर यहाँ पर शो हो जाती है और ये लिस्ट काफी लंबी हो जाती है। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से आपको एक रन कमांड टाइप करनी होगी, रजिस्ट्री एडिटर वाली। तो इसके लिए कमांड है regedit और इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाता है और इसके बाद आपको एक जो पाथ है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, उस पाथ में आपको जाना है, उसे कॉपी करना है और ये जो ऊपर एड्रेस बार है दोस्तों यहां पर आपको उस पाथ को कर देना है पेस्ट और एंटर बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहां पर ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये सभी आपकी कमांड्स हैं जो आपने
इंसर्ट की थी रन कमांड के अंदर। तो आपको क्या करना है, इस डिफॉल्ट को छोड़ करके बाकी सारी को सिलेक्ट करना है, और सिंपल है ये एफ रह गया, इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर रन कमांड को वापस चेक करेंगे तो जो लिस्ट भर गई थी वो अब वापस एम्प्टी हो चुकी है। मोस्ट यूजफुल कमांड को तो मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल कर ही लिया है, लेकिन फिर भी एक दो कमांड ऐसी है जो शायद आपके काम आ सकती है, लाइक ग्रुप पॉलिसी एडिटर। ग्रुप पॉलिसी की मदद से आप यूजर लेवल ऑथेंटिकेशन या फिर हार्डवेयर लेवल ऑथेंटिकेशन अपने सिस्टम के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको रन कमांड ओपन करना है और टाइप करनी होगी कमांड gpedit.msc, ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो जाएगा। दोस्तों विंडोज के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि ऑफ रहते हैं बाय डिफॉल्ट, जब यूजर को उनकी जरूरत होती है तब उसे अनेबल किया जाता है। तो विंडोज के फीचर्स को ऑन ऑफ करने के लिए आपको रन कमांड टाइप करनी होगी ऑप्शनल फीचर्स, और इसी के साथ आप मॉडिफाई कर सकते हैं ऑप्शनल फीचर्स को। अगर आपको आपके सिस्टम के अंदर कोई नया यूजर ऐड करना है, किसी पुराने यूजर को डिलीट करना है, पुराने यूजर के पासवर्ड को चेंज करना है या फिर उसकी कैटेगरी चेंज करनी है, तो ये सारे टास्क आप कर सकते हैं यूजर मैनेजमेंट के जरिए। तो इसके लिए आपको कमांड टाइप करनी होगी netpl wiz, और इसी के साथ यूजर से रिलेटेड मॉडिफिकेशन आप अपने सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो अगर यूजफुल लगी है आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने तो बने रहिएगा। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ वीडियो चाहते हैं मुझसे किसी टॉपिक के ऊपर, आप तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बता सकते हैं। और इनमें से जो मैंने आपको कमांड बताई है, कौन कौन सी कमांड्स आपको पहले से पता थी और कौन सी कमांड आपने पहली बार सुनी है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा, गुड बाय, जय हिंद।